ज्यादा नहीं फेंकेगा। कोई तीर नहीं चला गया युवराज राजकुमारी को लग सकता है। नहीं छोड़ दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सैनिक की जान लेने की? मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अपने लोगों से कहो मुझसे दूर रहे। अगर ये आदमी मुझे मिल जाए तो मैं किसी और को नहीं खाऊंगी। खबरदार, अगर तुमने हमारे किसी भी आदमी की तरफ आंख उठाकर देखा तो याद रहे जिंदगी भर के लिए तुम अपने साथी को नहीं देख पाओगी। गौर सिंह पीछे रहो, जिसे भी मरने की इच्छा है वो जाए इसके सामने, वरना से दूर रहो। तुम्हें क्या लगता है हम मानव उसका सामना कर पाएंगे? इनके लिए कुछ असंभव नहीं है, बहुत शक्तिशाली है ये। महारानी आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी जान पे खेल जाएंगे पर युवराज और राजकुमारी को हम कुछ नहीं होने देंगे। कमबख्त, अगर वो सिंह आपके पास आ जाए तो उस अमानव से आप जो चाहे करवा सकते हैं। तेरा कहने का मतलब है कि वो सिंह अगर हम पालें तो राजकुमारी जी को भी हम हासिल कर सकते हैं? हाँ। कुछ भी क्या पता कमबख्त सच कह रहा हो। क्या हुआ करोड़ सिंह? क्षमा चाहते हैं हुजूर। हुजूर वो क्या है ना कि वो कमबख्तों का खर्राटों का नाक संगीत बहुत बज रहा था। खर्राटों की आवाज ना वो हुजूर हमारी आंखें बंद नहीं होने दे रही थी। अरे आंखें बंद नहीं हो रही तो आंखें खोल के सो जाओ, हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? सो जाओ। क्षमा चाहते हैं। चले
कौन सी जगह है? ये कहाँ आ गए हैं हम कंबख्तों? कंबख्तों? इन निशानों को देख के अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि ये कहाँ किस दिशा में गए होंगे। तुम ठीक कह रही हो, ये तो इसके एक ही पैर का निशान है। इसके दूसरे पैर का निशान किस दिशा में है? हमें चारों दिशाओं में ढूंढना होगा। सैनिकों, तुम वहां जाओ और तुम वहां जाओ। ये क्या वाहियात सी चीज हमारे हाथ में है। हुजूर, हुजूर, हुजूर है और उनकी याददाश्त कंबख्त आती जाती रहती है। सही कहा, कैसे बुलाऊं? वल्ला, हमने सींग ले लिया, अब राजकुमारी जी हमारी है। कंबख्तों, कंबख्तों, शामला, उठो, चलो यहां से, जल्दी चलो। राजकुमारी जी, छोड़ दो मुझे जाने दो, बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ। हम इस मुसीबत में इन दोनों की वजह से पड़े। क्यों खुश होना, सारे के सारे मनुष्य मिल गए, वो भी एक साथ। माँ, माँ, एक बात पूछे आपसे। तुझे खाऊं, उससे पहले जो पूछना है पूछ ले। इतनी बड़ी है, आपका जब मन करे हमें कच्चा चबा कर खा सकते हैं, तो आप हमें पकाने की जहमत क्यों ले रही हैं? मसाले में पके हुए इंसान का मांस कभी खाया है? उसकी बात ही कुछ और होती है।
हम वल्लाह नहीं, हमने तो नहीं खाया, हम बस इतनी सी बात कहना चाहते थे। माँ वो देख रही है, वो है ना वीर, वीर लोहे का जिस्म है उसका, बहुत ही ताकतवर है। हाँ पकाने में थोड़ा समय लगेगा पर बहुत ही लजीज है वो। जो उसके साथ है ना चंद्रकांता नाम है उनका, हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत नाजुक है वो। आप उनको छोड़ दीजिए और वीर को खा लीजिए और साथ में हमें भी छोड़ दीजिए। माँ क्या है ना कि मैं और चंद्रकांता जी हर रोज आपके लिए एक हृष्ट पुष्ट ताकतवर इंसान लाएंगे, आप उससे रोजाना भोजन कर सकती हैं। छोड़ दीजिए ना माँ। ये तो खास है, इसकी तो मैं चटनी बनाकर खाऊंगी। चटनी छोड़ दीजिए ना राजकुमारी जी, हमने बहुत कोशिश की आपको बचाने की पर हमें माफ कर दीजिएगा। ये सब छोड़ो और जल्दी से इनकी चटनी बनाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसे देखा, इसकी चटनी सिर्फ मेरे भर की बनेगी और इसे मैं अकेले खाऊंगी। लेकिन इन सबको मैंने पकड़ा है, इनमें मेरा भी हिस्सा है। पकड़ के लाए हो तो पकड़ के खा लो, पकाने का काम मैं कर रही हूँ तो पका हुआ खाना मेरी मर्जी से बटेगा। वीरेंद्र तुम्हें ही कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा चंद्रकांता, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। धोखा हो रहा है, धोखा हुआ है आपके साथ। धोखा? कौन देगा मुझे धोखा? ये इसने धोखा दिया है आपको। ये डर के मारे पागल हो गया है। पागल नहीं हुए हैं हम, मौत से डर नहीं लगता हमें, बस सच्चे प्यार में धोखा देने वाले से नफरत करते हैं हम। पूछिए इससे, हमारे साथ ही हमारे सैनिकों को भी पकड़ के लाया था लेकिन उनको इसने अपने लिए छिपा दिया है। पूछिए, यकीन ही होता ना तो इधर देखिए, यहाँ बंदे लोगों में से दो लोग कम हैं। पूछिए बाकी दो कहाँ हैं? पूछिए। कहाँ गए ये दोनों? मुझे नहीं पता। तुमने मुझे धोखा दिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इन सबको मैं जिंदा ही खा जाऊंगी, वो भी अकेले। वल्ला इसने क्या किया? Thank you.
बहुत प्यार है ना तुझे इससे, तो खुद ही आ जाओ सामने वरना मैं इसे खा जाऊंगी। राजकुमारी जी हमें, आप चिंता मत कीजिएगा। रुक जाओ, उसे जाने दो, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। नहीं वीरेंद्र, उसे नीचे उतारो। ऐसा मत करो वीरेंद्र। मैंने कहा उसे नीचे उतारो अभी। जैसा तुम चाहोगी मैं करूंगा। नहीं किया वीरेंद्र। कुछ नहीं होगा हमें वीरेंद्र। चलो खुशाई।
इसे खत्म करने के लिए सिंह को नष्ट करना होगा। देव सिंह इसे आग में फेंको।